Hello dear students, now we have started new chapter, chapter number 2, People Has Resources. This is the first video of this chapter and today we have discussed in this video introduction about this chapter. Okay, you know, in this chapter we have discussed People Has Resources. You know, what is the meaning of resources? We have different types of the resources, okay? But in this chapter we have discussed has a human resources, people, or has a human resources usko kaise aap use kar rahe beta, okay? So in this chapter people has resources is in a first to explain, kya explain kar rahe beta hum yahan, population has an asset for the economy rather than the liability. अगर आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहते हैं बेटा, अपनी जीडीपी को ग्रोथ करना चाहते हैं, लाइक यू नो चाइना, जापान कंट्री का हम एग्जांपल देते हैं बेटा. सो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बेटा वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, तो फिर उन्होंने इतना डेवलपमेंट कैसे किया, वो एक डेवलप कंट्री कैसे बन गया, बिकॉज यू नो दे इन्वेस्ट देयर ह्यूमन रिसोर्सेज बेटा. ठीक है, जो पॉपुलेशन है उसको उन्होंने इन्वेस्ट किया बेटा, अपनी पॉपुलेशन को एजुकेटेड किया, और जब सेल्फ डिपेंडेंट पॉपुलेशन बनी बेटा, लोगों ने जॉब किया, तो अपने आप उनकी कंट्री बेटा उनका इकोनॉमी ग्रोथ किया. सो सेम इन आवर कंट्री इन इंडिया, यू नो यहाँ पे भी जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो अनइक्वल है. किसी स्टेट्स में बहुत सारे रिसोर्सेज आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं बेटा, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का बेटा लैक है. सो अब हमें बेटा अपने यू नो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइजेशन और डेवलपिंग कंट्री से डेवलप बनने के लिए बेटा हमें हमारे पीपल्स को भी हैज रिसोर्सेज यूज़ करना होगा. पॉपुलेशन बिकेम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड इट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. अब यू नो आप स्टूडेंट्स हैं बेटा, सो आप में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, आपकी फैमिली कर रही है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं बेटा, आपको अच्छी एजुकेशन दिलाई जा रही है, उसमें बहुत सारा उनका मनी स्पेंड हो रहा, तो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू नो इन अपकमिंग द फ्यूचर आप एक अच्छी सिटीजन बने बेटा, एक अच्छी जॉब को मेंटेन करें बेटा, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें बेटा. ठीक है, सो द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिविटी नॉलेज एम्बॉयड इन देम. ठीक है, सो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल क्या है बेटा, एक स्टॉक है, किसका, स्किल का, अनप्रोडक्टिविटी का. ठीक है, जो नॉलेज आपने गेन किया है वो आपके अंदर एक स्टॉक बन के रहेगा बेटा. सो पीपल हैज़ अ रिसोर्सेज इन इज द वे ऑफ रेफरिंग, देखो ये हम क्यों कह रहे हैं बेटा, पीपल हैज़ अ रिसोर्सेज सो इन इज द वे ऑफ द रेफरिंग टू ए कंट्री वर्किंग द पीपल्स इन द टर्म्स ऑफ देयर एक्साइटिंग प्रोडक्टिविटी स्किल्स एंड एबिलिटीज. ठीक है, लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम इट्स प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट एम्फेसाइज इट्स एबिलिटी टू द कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द करेक्शन क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP. लाइक अदर्स रिसोर्सेज द पॉपुलेशन ऑल्सो इज ए रिसोर्सेज, ए ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, अब आप उसको कैसे यूज करेंगे बेटा, एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज. सो दिस इज द पॉजिटिव साइड टू द लार्ज पॉपुलेशन. That is the often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of the providing the population with the food, education and access to the health facilities. When the exciting human resources is the further development by the becoming more educated and the healthy, we can its human capital formation and add it to the productivity power to the country, just like physical capital formation. Okay, so investment in the human capital through the education, training, medical care yields to the return just like investment in the physical capital. So this can be seen directly in the form of the higher income earned because of the higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity and the higher पीपल्स. अब देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्शन दिखाया गया बेटा, यहाँ पे तो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे बेटा, बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर टॉकिंग ईच अदर. सो गर्ल्स सेज व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, इट इज़ लाइक लैंड और लेबर. जैसे बेटा लैंड रिसोर्सेज होते हैं, लेबर रिसोर्सेज होते हैं वैसे. सो बॉयज़ सेज इट इज़ मोर देन डैट, ये उससे भी ज़्यादा है. सो व्हाट इज़ द ह्यूमन कैपिटल, इट इज़ लाइक रुपीज़, पैसेज और डॉलर. ठीक है, इट इज़ मोर देन डैट. सो बेटा ये जो चीज़ें हैं दोनों, ये उनसे भी अधिक है ना. बॉक्स के अंदर आपको बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है,
থেকে ইন্ডিয়াস গ্রিন রেভলিউশন ইজ দ্য ড্রামেটিক এক্সাম্পল অফ হাউ দ্য ইনপুট দ্য গ্রেটার নলেজ ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য ইম্প্রুভড প্রোডাকশন টেকনোলজি ক্যান র্যাপিডলি ইনক্রিজ ইন দ্য প্রোডাক্টিভিটি অফ দ্য স্কেয়ার ল্যান্ড রিসোর্সেস ইউ নো গ্রিন রেভলিউশন সে পেলে বেটা আমার ইয়ে যে টোটাল অমাউন্ট অফ প্রোডাকশন হতো না এগ্রিকালচার কাজ ইত্যাদা হাই অমাউন্ট পে নেই হতো আফটার দিস গ্রিন রেভলিউশন তো আমি ক্যা কিয়া বেটা আপনি মেথোলজি চেঞ্জ কিয়া টেকনিক চেঞ্জ কিয়া বেটা সিডস চেঞ্জ কিয়া সো আমি আমি বেনিফিট মিলা বেটা ঠিক সো নাও উই হ্যাভ স্টার আওয়ার চ্যাপ্টার নাও সো নট অনলি ডু দ্য মোর এজুকেটেড অ্যান্ড দ্য healthier peoples can grow through the higher incomes. देखो ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि educated peoples और जो healthier peoples हैं वही बहुत सारे educated person होंगे वही money को gain करेंगे या income उनका बहुत अच्छा होगा. Society also gain in the other indirect ways because the advantage of the more educated or the higher production population separate those also in the themselves were not directly educated on the given the health care. In fact, human capital is the one of way the superior to the others resources like land and the physical capital also. So human resources can make us use to the land and the capital. Land and the capital cannot become useful on its own. Okay, तो ये जरूरी नहीं कि बेटा सिर्फ ह्यूमन कैपिटल ही सब कुछ करेगा. फैमिली सोसाइटी एनवायरमेंट दे आर ऑल्सो द सपोर्ट ऑफ देम. For many decades in India, the large population has been considered. You know, आपको मालूम होगा बेटा every 10 years जो census होता है उसके according आप देखोगे हमारे population जो India का population उसका growth rate बहुत ज़्यादा है बेटा. So अगर उस population growth rate को अगर आप सही way में introduce करेंगे बेटा उसका useful way में आप use करेंगे so it's possible कि हमारा जो GDP होगा हमारा जो economy होगा वो और stable होगा बेटा. So rather than the asset but a large population need not to be the burden for the economy. अब देखो burden नहीं बने इसके लिए क्या होगा self dependent होना पड़ेगा बेटा ठीक है. It can be turned into the productivity asset for the investment the human capital for example by the spending resources or education health. देखो आप एक example से सुन सकते हैं बेटा. Suppose करें एक farmer है या एक man है बेटा उसका नाम A है और उसके 4 sons हैं A B C D. अगर बेटा उसके 4 sons कुछ work करेंगे सेल्फ डिपेंडेंट होंगे जॉब करेंगे या कुछ भी अपना प्रोफेशन वर्क करेंगे बेटा तो उनके यहाँ पे अर्निंग सोर्स बहुत ज़्यादा होंगे. अगर 4 सन है उसके और वो वर्क नहीं करेंगे बेटा तो जो बर्डन होगा वो उनके फादर पे होगा. सो इस वे में अगर अर्निंग सोर्सेज अच्छे होंगे बेटा अर्निंग आएगा तो फैमिली अपने आप बेटा अच्छी पोजिशन में आएगा. सो द टू फॉलोइंग केस इट्स रेट हाउ द पीपल्स क्राई बिकम द मोर प्रोडक्टिव. यहाँ पे दो स्टोरी दे रखा है बेटा स्टोरी ऑफ सकल ठीक है. सकल का स्टोरी है देयर वर द टू फ्रेंड्स विलास एंड द सकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर. सकल वॉज द 12 ईयर्स ओल्ड बॉय. हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स. हिज फादर्स बूटा चौधरी वॉक इन द एग्रीकल्चर फील्ड. सकल हेल्प हिज मदर इन द डोमेस्टिक चैरियर्स ठीक है. घरेलू काम बेटा जो भी उनके होते थे वहाँ पे वर्क करते थे. ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंग ब्रदर जीतू एंड द सिस्टर सीतू. हिज अंकल श्याम हिज पास्ट हिज द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशंस बट वॉज द सिटिंग आइडियल इन द हाउस हैज हिज एंड नो जॉब. बूटा एंड द शीला वर द एंगर टू द टीच सकल. They forced them to join the village school which he soon joined. His study and the completed higher education, higher secondary examination. His father persuaded him to the continue his study. He raised a loan for the Sakal to the study and the vocalization course in the computers. Sakal was the meritorious and interested in the studies from the beginning with a great vigor and enthusiasm. He completed his course. After some time, he got a job in a private firm and he even the destinies the new kind of the software. The software helped him increase the sale of the firm and he boss acknowledged his service and rewarded him with the promotions. अब देखो बेटा इसने क्या किया study किया इसने पढ़ाई की. इसके फादर्स का सिचुएशन इकोनॉमिक सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था फिर भी उन्होंने लोन लिया और अपने बेटी पे ठीक है सकल पे इन्वेस्टमेंट किया और फाइनली रिजल्ट क्या मिला बेटा. सकल जब अपनी यू नो
पढ़ाई में उसने अच्छा किया, तब उसने जॉब को गेन किया और जॉब गेन करने के बाद जो उसका टैलेंट था बेटा वो उसने वहाँ पे शो अप किया। तो जो उसके बॉस थे, जो फैक्ट्रीज मालिक थे, उन्होंने उसको प्रमोट किया बेटा, उसका प्रमोशन किया और फाइनली उसकी हेल्प किससे हुई बेटा, इनडायरेक्टली उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया बेटा। ठीक है, सो ये विलास एंड सकल का स्टोरी है। अब देखो सेकेंड स्टोरी विलास का है। हमने सकल का स्टोरी देखा, विलास वॉज इन द 12 ईयर्स ओल्ड बॉय रेजिडिंग इन द स्मॉल विलेज एज अ सकल। विलास फादर दिक महेश वॉज द फिशरमैन, वो एक फिशरमैन थे बेटा। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली द 2 ईयर्स ओल्ड। हिज मदर गीता सॉल्ड फिश टू अर्न द मनी एंड द फीड द फैमिली। ही ब्रॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स द पॉन्ड एंड द सॉल्ट इन द नियर बाय मंडी। शी कुड अर्न ओनली रुपीज 150 डे बाय द सेलिंग द फिश। विलास बिकम ए पेशेंट ऑफ द ऑर्थोसाइट्स। हिज मदर्स कुड नॉट अफोर्ड टू द टेक हिम द डॉक्टर एंड ही कुड नॉट गो टू द स्कूल आइदर। ही वॉज नॉट इंटरेस्टिंग इन द स्टडीज एंड ही हेल्प हिज मदर इन द कुकिंग एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। सो आफ्टर सम टाइम हिज मदर फील सिक एंड देयर वॉज नो वन लुक आफ्टर हर। So there was no one in the family to the support them. Vilas too was the forced to the selfish and same village. He like his mother and only the manage income. ठीक है, तो बेटा इसने अपनी स्टडी नहीं किया, फैमिली सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था, इसको सपोर्ट नहीं किया, इसके फादर्स का डेथ हो गया, तो बेटा इसने क्या किया, एजुकेशन इसका पूरा नहीं हुआ। सो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था इसकी फैमिली का, जब इसको सपोर्ट करना था वो नहीं हुआ, तो बेटा इसका फाइनली ये अपनी इनकम को भी ज़्यादा गेन नहीं कर पाया बेटा, ये भी इसके लिए। सो वी हैव कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।